हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे गोमूर किचन में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे पोहा का नमकीन, जो बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी है। जब कभी शाम के टाइम हमें कुछ चटपटा खाने का मन करे तो हम चाय या कॉफ़ी के साथ इसे ले सकते हैं। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने पोहा लिया है और मूंगफली का दाना लिया है, मखाना लिया है और थोड़ा सा हमने काजू लिया है और थोड़ा सा हमने नारियल लिया है। अब हम इसे एक एक करके फ्राई करेंगे। तेल हमने पहले 5 मिनट पहले ही रख दिया था। अब हमारा तेल देखिए गर्म हो चुका है। अब इस छन्नी की सहायता से अब हम इसे एक एक करके फ्राई करेंगे। आंच को हमें ज़्यादा तेज नहीं रखना है। देखिए इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने पे इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं जाएगा और हमारा नमकीन बढ़िया भी बनेगा। देखिए हमारा मूंगफली भून के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। चटकने लगा है हमारा मूंगफली। रुको जब हम मटाना, अब हम मखाना डाल के फ्राई करेंगे। मखाना बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। देखिए किस तरह से फ्राई हो रहा है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तेल में फ्राई होने में। इसे भी हम निकाल लेंगे। काजू डालेंगे। इसे हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। काजू इस नमकीन के स्वाद को और बढ़ा देगा। देखिए हमारा काजू फ्राई हो चुका है। हमने जो नारियल, हाँ देखिए हमने नारियल को भी फ्राई किया कर लिया है। इसे भी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारा नारियल भी बहुत जल्दी फ्राई हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पोहा करके फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने पे इसमें तेल ज़्यादा नहीं जाएगा और हमारा नमकीन कम तेल में बनके बहुत अच्छी तरह से तैयार होगा। देखिए हमारा पोहा कितनी जल्दी फ्राई हो चुका है। इसे भी हम निकाल लेंगे। और हम थोड़ा डालेंगे इसमें।
देखिए हमारा हो गया। इन सभी चीज़ों को हमने तलने में, हमने तेल में फ्राई करने के बाद इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे जो हमारे पोहा के नमकीन को और लाजवाब बना देगा। सबसे पहले हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी के बाद कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा डालेंगे और थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च और स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला मिला लेंगे। और देखिए हमारा ये पोहा का नमकीन दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। हम इन सबको, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे और पोहा का नमकीन बनकर तैयार है। इसे हम किसी भी टाइम खा सकते हैं, कोई भी मेहमान आ जाए, चाय कॉफ़ी के साथ इसे हम किसी साथ सर्व कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू बाय।